हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनु। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट लेके आई हूँ। जैसे कि एसएससी एमटीएस के रिजल्ट का सबको यहाँ पे बहुत ही इंतज़ार है, तो मैंने बहुत सारे स्टेट का, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, ये सब के मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है कि किस में कुछ चेंजेस होने के मतलब चांसेस है, वो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो जिस तरीके से हमें फुल एनालिसिस जहाँ जहाँ जो जो स्टेट का मिला है, उस तरीके से हम आपको यहाँ पे अपडेट्स के साथ में आपको कट ऑफ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि इसमें किस कौन सी कैटेगरी में कट ऑफ का चेंजेस होने का इस बार मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 के कट ऑफ को लेके अभी जो 2020 का कट ऑफ आएगा, इसमें क्या चेंजेस आएगा, कौन से कैटेगरी में चेंजेस आएगा, लाइक ओबीसी, एससी, एसटी या फिर जनरल कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में कट ऑफ का चेंजेस होने का ये है। तो हर एक स्टेट का जिस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन मिला, उस तरीके से आपको कट ऑफ का यहाँ पर डिटेल्स बताते जा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेटेस्ट केरला का आज आपको बताने वाली हूँ। केरला का आप सबको पता है कितना ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे जाता है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे काफ़ी स्टडी करने वाले टैलेंटेड बच्चे काफ़ी होते हैं केरला का यहाँ पे। तो आज मैं केरला का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ आज अपने इस वीडियो में कि इसमें क्या चेंजेस होगा। उससे पहले जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लेटेस्ट अपडेट्स लेके आता रहता है। तो चलो हम केरला का यहाँ पे देखते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि इस ईयर में क्या चेंजेस होगा, बट 2019 का पहले हम लोग कट ऑफ देखते हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को दिख रहा है आपको, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 75.33376 इस तरीके से ये पॉइंट में गया है, ठीक है। एससी कास्ट में 70 पॉइंट समथिंग कुछ है, मतलब 1, 2, 3, 4, 6 है यहाँ पे। एसटी में 57% गया है यहाँ पे कट ऑफ। एंड ईएसएम का तो सब जगह आप सेम ही देख रहे हो, सारे मतलब जितना भी आप ले लो, चाहे केरला ले लो, महाराष्ट्र ले लो, दिल्ली ले लो, सब में ईएसएम का 20% ही है। बस ये पॉइंट में थोड़ा सा चेंजेस आता है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ईएसएम में कुछ खास इस बार भी नहीं है, 2020 में भी इस बार ईएसएम में कुछ नहीं खास है। अभी एचएच का यहाँ पे देखते हैं 40% है, और ओबीसी का 80% है, एंड जनरल कैटेगरी का 81 है। बस ये दो कैटेगरी एक ऐसी है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिसमें कट ऑफ का थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा क्या है देखा जाए तो 1-2% भी अगर चेंज हो रहा है तो भी हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा चेंजेस होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा चेंज होने का मतलब थोड़ा सा मैं संभावना जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा प्रॉबिलिटी है कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस है। लास्ट टाइम 2019 में कितना गया, 81 गया है, तो इस बार 82% जाने के चांसेस है जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी ओबीसी वगैरह एससी एसटी इसमें कुछ भी बढ़ने के चांसेस नहीं है, बस इस बार जनरल कैटेगरी में ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, प्लस जनरल कैटेगरी का रिकॉर्ड हमने पता किया तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे टैलेंटेड है, काफ़ी बच्चों का पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी लास्ट टाइम 81% था, इस बार 82 जाने के चांसेस है यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर आपको भी अपने स्टेट का कुछ यहाँ पे जानना है कट ऑफ अगर आपको चाहिए, तो आप हमें यहाँ पे नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स दीजिए अपने स्टेट का नाम, उसके हम लोग फुल एनालिसिस लेटेस्ट अपडेट लेके आएंगे और आपको हम सारे अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।